भैया ये समझो धरती पर स्वर्ग है ना, यही है, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। सनातन धर्म सबसे ऊंचा, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। सर्वधर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है, बस एक ही धर्म है, वो है सनातन धर्म, और इससे ऊपर कुछ नहीं। आनंद जैसे एक स्वर्ग में, जिंदा स्वर्ग में जाता है ना, ऐसा आ गया। भीड़ देखिए, भीड़ के बिना तो मज़ा ही नहीं है। अब सारा जो भाईचारा दिखता ना, वो यही दिखता है। जी मेरा नाम अमित है, अमित हरियाणा से, करनाल जिले से। ये बैसाख महीना की पूर्णिमा है तो उसका स्नान है, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और हर मतलब पूरे साल आते हैं हम पूर्णिमा के लिए स्नान करने के लिए। आज तो बहुत और बहुत अच्छा भी लग रहा है हमें, कितनी भीड़ में भी परेशानी नहीं हो रही है जितना सोचा था। देखिए बुद्ध पूर्णिमा के स्नान को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर पुलिस का अरेंजमेंट किया गया, ट्रैफिक पुलिस भी है और लगातार वाहन को नियंत्रित भी किया जा रहा है। जो बड़े हैवी व्हीकल हैं उनको रोका गया है, ट्रैफिक थोड़ा स्लो है लेकिन प्रॉपर चल रहा है ट्रैफिक, कहीं भी कोई बहुत ज़्यादा जाम की स्थिति नहीं है। पार्किंग देखिए, यहाँ पे जो परमानेंट हमारी पार्किंग है वो लगातार चल रही है, पंदीप पार्किंग, चमगादड़ पार्किंग और गड्ढा पार्किंग, इन पार्किंग्स में भी लोग गाड़ियाँ लगा रहे हैं और अभी तक सब कुछ स्मूथ चल रहा है। मेरा नाम धीरज है, मैं दिल्ली से पहली बार गंगा के लिए दर्शन करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। अब पहली बार आने में इतना अच्छा लग रहा है कि मैं ज़िंदगी में हर बार कोशिश करूँगा कि आऊँ, हर बार आने की कोशिश करूँगा। और अभी नहाने के बाद ही मेरा मन ऐसा कर रहा है कि बार बार ही नहाता रहूँ मैं। यहाँ का अद्भुत नज़ारा देख के, लोगों को देख के ऐसा लगता है कि बार बार यहाँ डुबकी लगाते जाए माँ गंगा की। सबसे मनोकामना पूर्ण करें, बैसाख के पवित्र महीना है और पवित्र बैसाख के पूर्णिमा है, बैसाखी पूर्णिमा, उसके साथ साथ बुद्ध पूर्णिमा है। आज के दिन श्रद्धालु माँ गंगा के तट पे आते हैं, स्नान करते हैं, दान करते हैं। आज का विशेष महत्व है, आज के दिन भगवान विष्णु की पूजा होती है। माँ लक्ष्मी धन की देवी है, ऐश्वर्य की देवी है, वैभव लक्ष्मी की देवी है। माँ लक्ष्मी का पूजन करके हर मनोकामना पूर्ण करती है। माँ गंगा को नमस्कार करते हैं, नमामि गंगे तव पाद पंकजम पुरा सुरेरम वंदित्य दिव्य रूपम मुक्तिम च मुक्तिम च ददास नित्यम भावानुसारेण सदानरणाम। आज के दिन आप देख सकते हैं वस्त्र दान दिया जाता है, अन्न दान करते हैं, गौ दान होता है, पात्र दान होता है, जिसकी जैसी शक्ति उस प्रकार का गंगा जी में स्नान करके दान पुण्य किया जाता है। ये हमारे भक्तगण हैं खड़े, जो आप देख सकते हैं बहुत ही श्रद्धा आस्था से समर्पित भाव से तीर्थ पुरोहितों को पूजा पाठ करवाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और गंगा जी में आकर के अपनी आस्था को प्रकट करते हैं। जय श्री गंगा जी की, जय गंगा मैया। ये आज जो बुद्ध पूर्णिमा का मेन स्थान है इसमें काफ़ी भीड़ की संभावना थी और वो दिख भी रहा है। कल वीकेंड वाला संडे के हिसाब से भी काफ़ी भीड़ थी हरिद्वार में, तो बेसिकली हमने कल से ही पूरे मेला क्षेत्र को, पर्व क्षेत्र को 6 जोन और 18 सेक्टर में बांटा हुआ है और वन वे पैदल यात्रियों के लिए अन्य अरेंजमेंट किए, वो सब स्मूथली चल रहे हैं। सुबह से करीब 4-5 लाख लोग स्नान करके जा चुके हैं, अभी भी हमारे सारे घाट पैक हैं, लेकिन अच्छी बात ये है सब कुछ बहुत स्मूथली चला और हाईवे का ट्रैफिक भी लगभग अभी नॉर्मल है। अब एग्जैक्ट फिगर मैं अभी आपको नहीं दे पाऊंगा लेकिन कम से कम 3-4 लाख लोग सुबह से स्नान करके जा चुके और अभी भी लगातार हर की पैड़ी और मालवीय द्वीप पे लगातार लोगों का आना जारी है।